अगर आजाद उड़ना चाहते हो ना तो एक बाज की तरह बनना, वही बाज जो बादलों की छाती चीर के उनसे भी ऊपर उड़ता है। दोस्तों आज मैं आपको बाज के 6 एटीट्यूड रूल्स बताऊंगा, जो अगर एक आम आदमी अपनी जिंदगी में फॉलो करना शुरू कर देना तो किसी का बाप भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा, छेड़ नहीं पाएगा, उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि एक बाज क्या कहता है। मैं एक बाज हूँ, मैं जब उड़ता हूँ ना तो पूरे आसमान में दहशत के बादल मंडराने लगते हैं। बाज हूँ मैं, इसलिए उड़ान भरता हूँ तो आसमान चीरता हूँ। मेरे साथ उड़ने की किसी की औकात नहीं, मेरे सामने उड़ने का साहस किसी में नहीं। मैं एक बाज हूँ, जब बादल गरजते हैं तो सारे पंछी कांपते हैं, और मैं हंसता हूँ और बस ये सोचता हूँ कि ये गरजने वाले बादल बरसकर आखिर मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे। मैं एक बाज हूँ, जब सब छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं मैं बादलों को चीरकर उनसे भी ऊपर निकल जाता हूँ। मेरा भोकाल है, तभी तो मेरे सिर पर ताज है, मुझे किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं, डरना तो मेरे खून में ही नहीं। हर कोई जन्म लेने के लिए सिर्फ एक बार संघर्ष करता है, लेकिन मैं एक ही जिंदगी में दो बार मरता हूँ, लेकिन उस मौत से लड़कर अपनी जिंदगी को दो बार हासिल करता हूँ। मेरा हौसला इतना बुलंद होता है कि मैं मौत से भी टकरा जाता हूँ। आत्मसम्मान इतना मजबूत है कि लड़कर मरना मंजूर है लेकिन घुटकर जीना नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक सैनी एक बार फिर तुम सभी के दिलों में आग लगाने के खातिर मैदान में उतर चुका हूँ। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि सैर करेंगे उस आसमान की जहाँ का राजा एक बाज है। मैं कहता हूँ सीखने को इतना कुछ है ना बाज से, जितना तुम शायद धरती के दूसरे किसी भी जीव से ना सीख सको। एटीट्यूड की बात करें तो एक बाज का एटीट्यूड सबका बाप है। बात अगर भरोसे की करें तो बाज का खुद पर भरोसा अपने आप में सबसे मजबूत है। बात अगर ऊंचाइयों की करें या बात अगर जिगर की करें तो एक बाज जंगल का शेर तो नहीं है, लेकिन अपने आसमान का काल है। वो काल जिसके उड़ने मात्र से दूसरे पंछी उसकी परछाई महसूस करके ऐसी जगह छिपते हैं कि जब तक वो चला नहीं जाए वो बाहर नहीं निकलते। खुले आसमान में कुछ ऐसा भोकाल होता है एक बाज का। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं तुम सभी को बताऊंगा एक बाज के 6 एटीट्यूड रूल्स, जो अगर एक आम आदमी अपनी जिंदगी में फॉलो करना शुरू कर दे तो किसी का बाप भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा, छेड़ नहीं पाएगा, उसे रोक नहीं पाएगा। चलो जानते हैं। एटीट्यूड रूल नंबर 1, नेचर ऑफ बीइंग एट पीक। एक फितरत होती है बाजों में कि उन्हें शिखर पर रहना है। शिखर पर पहुंचने के लिए चाहे कितनी भी चुनौतियों से उन्हें टकराना पड़ जाए वो टकरा जाते हैं। ऐसी फितरत जिस प्राणी में मिले, चाहे जिस भी इंसान में देखे, वो सब शिखर पर पहुंचे हैं। बाज भी उन्हीं में से एक होता है। वो चाहता है और उम्मीद रखता है कि उसका इलाका आसमान है, और इस खुले आसमान में अगर किसी को हक है सबसे शिखर पर विराजमान होने का तो वो बाज के अलावा कोई भी नहीं है। जब तुम्हें क्लास में दूसरा या तीसरा आना पसंद ही नहीं होगा, चिढ़ होगी, तो तुम्हारे सिवाय कोई और टॉप कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वो एक अंदर से फितरत झलकनी चाहिए कि सलाह उड़ना है तो सबसे ऊंचा उड़ना है, और यही फितरत एक बाज में होती है। रूल नंबर 2, दे नो देयर स्टैंडर्ड्स। कभी बाज को कौओं के झुंड में उड़ते देखा है? ये खास तमाचा उन लोगों पर है जो अकेले रहने से डरते हैं, चाहे कोई साथ रहे या भाड़ में जाए। तुम्हें अपना स्टैंडर्ड मालूम होना चाहिए। बाज अकेला रहता है, खामोश रहता है, लेकिन फिर भी राज करता है, और उस आसमान पर उसी की हुकूमत चलती है। वो चाहे दर्द में हो, चुनौतियों से लड़ रहा हो, या किसी भी हालत में हो, वो कभी कबूतरों के झुंड को नहीं चुनेगा या उनके साथ नहीं उड़ेगा, क्योंकि वो अपनी औकात जानता है। अगर आज उसने कबूतरों के झुंड को पकड़ लिया तो सारे पंछी कल अपनी औकात भूल जाएंगे, और बाज फिर राजा नहीं शायद गुलाम बनकर रह जाएगा, क्योंकि संगत में रहने से उसकी संगति भी वही छोटी उड़ान वाली रह जाएगी, और जो बाज पहले आसमान का ताज था वो महज गुलाम बनकर रह जाएगा। बस इसी वजह से एक बाज हमेशा अकेला उड़ता है और सबसे ऊंचा उड़ता है, और यही वजह है कि वो राज करता है। एटीट्यूड रूल नंबर 3, फाइटिंग इन ब्लड। एक बाज के ना खून में लड़ना लिखा होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ जानते हो? जब एक बाज 40 साल का हो जाता है ना, तो फिर उसको अपनी जिंदगी से दोबारा एक जंग लड़नी पड़ती है। उसके पंख इतने ज्यादा भारी हो जाते हैं कि वो अब उनके दबाव के चलते उड़ भी नहीं सकता। उसके नाखून इतने लंबे हो जाते हैं कि वो अब शिकार नहीं कर पाता। उसकी चोंच आगे से इतनी मुड़ जाती है कि वो मांस को चबा नहीं पाता। ऐसी एक नहीं बल्कि कई चुनौतियां आती है एक बाज के पास। उसके पास दो रास्ते होते हैं, पहला कि वो सब कुछ झेलता रहे और एक दर्दनाक मौत को कबूल कर जाए, या फिर अपने आप को कष्ट दे और सब कुछ नोच कर एक नया जन्म ले और अगले 40 साल सुकून से फिर से पहले की तरह राजा बनकर बिताए। हर बाज वो दूसरा रास्ता अपनाता है, क्योंकि लड़ना उसके खून में होता है। उसके खानदान, पूर्वज सब ने यही किया होता है और वो भी वही करता है। वो सबसे पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख उखाड़ लेता है, जिससे बहुत खून निकलता है। वो अपने नाखून को पत्थर पर मार मार कर तोड़ लेता है, जिससे और खून निकलता है। अपने हर अंग को नया करने के लिए वो कष्ट सहता है, लेकिन ये आसान नहीं होता। फिर 6 महीने के अंदर उसे नए पंख, नए नाखून, नई चोंच मिलती है।
और वो अपनी जिंदगी दोबारा जीना शुरू कर देता है। इसलिए दोस्तों, लड़ने से कभी मत भागना। लड़ाई एक नई जिंदगी, इज्जत और एक नया किरदार देती है। रूल नंबर 4, फाइनल फोकस दी एंड। अगर बाज को अपना शिकार करना होता है ना, फिर वो किसी चीज के लिए नहीं रुकता। लेकिन इन सब में जो उसका फोकस होता है ना, कभी उस पर गौर करना, जिसे आप हम अपनी असल जिंदगी में मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो है कि नजर हो तो बाज जैसी। गाड़ी चलाते वक्त बाज की तरह नजर होनी चाहिए। कोसों दूर से वो अपने शिकार को देख लेता है, और चाहे कितनी भी दूरियां हो, धुंध हो, काले बादल हो, मौसम खराब हो, लेकिन उसकी नजर नहीं फिसलती। उसकी पहली नजर ही आखिरी नजर बन जाती है, और बस एक बार वो नजर पड़ी अपने शिकार पर, खेल खत्म। अब चाहे कुछ भी हो जाए, बाज अपनी नजर से नहीं भटकने वाला। वो तब तक एक सेकंड के लिए भी नहीं भटकेगा जब तक वो अपने शिकार को अपने जकड़ में ना ले ले। इस खूबी के साथ कुदरती रूप में बाज और शेर दोनों पैदा हुए हैं, लेकिन समय के साथ साथ बाज अपनी इस खूबी को और ज्यादा तेज करता जाता है, और यही वजह है कि बुढ़ापे में भी आसमान पर सिर्फ उसी का हक होता है। रूल नंबर 5, साइलेंस। कौवे जब उड़ते हैं ना, तो कभी गौर करना कितना शोर करते हैं, लेकिन एक बाज तो जल्दी से दिखता भी नहीं है। यही फर्क होता है एक बाज और दूसरे पंछियों में। बाज शोर करने में नहीं, बल्कि उड़ान भरने में यकीन रखता है। झुंड के सारे नहीं, बल्कि आसमान को अपने वजह से मशहूर करने की ताकत रखता है। लेकिन इन सब में वो खामोश रहता है। अगर 100 दूसरे पंछियों का एक झुंड भी खड़ा चहचहा होगा ना, तब भी अगर बाज सिर्फ उनके ऊपर से उड़ जाए, तो उस झुंड की ऐसी हालत होगी जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। अपने लिए इतनी दहशत और इतनी शान सिर्फ वही प्राणी पैदा कर सकता है जो खामोश रहकर सबके बैंड बजाने की ताकत रखे। सिर्फ भौंकने या बड़ी बड़ी फेंकने से दुनिया तुम्हें नहीं स्वीकारती या अपना राजा नहीं घोषित करती, बल्कि दुनिया को तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए कि तुम असलियत में किस हद तक जा सकते हो। और इसके बाद भी तुम्हें खामोश रहना होता है, क्योंकि खामोशी से बड़ी कोई ताकत नहीं, तभी दुनिया सलाम ठोकती है। एटीट्यूड रूल नंबर 6, द विनिंग माइंडसेट। एक बाज के माइंडसेट से सीखने को बहुत कुछ है। तुम खुद ही सोचो ना, जहां दूसरे पंछी तकलीफों से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त बाज उन्हीं तकलीफों को चीरकर ऊपर जा रहा होता है। जब बादल गरज रहा होता है, तो पूरा आसमान कांप रहा होता है सिवाय बाज के। बाज की मानसिकता ये कहती है कि साला, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चुनौती नहीं जिससे तुम भिड़ ना सको, जिसके सामने तुम जीत ना सको। अगर तुम्हारी मानसिकता नहीं सुधरेगी ना, हमेशा घुट घुट कर जीने के बजाय अपने हिसाब से जीने की, बिंदास जीने की, तब तक तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं होगा। हाँ, जब तुम अपना एटीट्यूड बदलते हो, अपनी मानसिकता को बदलते हो, उस वक्त हो सकता है कई बड़े बड़े पहाड़ जैसी चुनौतियां तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएं। लेकिन अगर तुम पीछे नहीं हटोगे, तो 100% मैं लिख कर देता हूँ, वो चुनौतियां खुद दम तोड़ देंगी, तुम्हारे सामने झुक जाएंगी, और तुम उन चुनौतियों को ऊपर से लांघकर आगे निकल जाओगे। इसलिए मानसिकता डरने वाली नहीं, डर को डराने वाली होनी चाहिए। हार जीत अलग बात है, लेकिन हार मान लेना बहुत गलत बात है। और दुख की बात यह है कि आज 80% से भी ज्यादा लोगों की यही डरने वाली मानसिकता है, जिस वजह से उन्हें गुलामी मंजूर हो जाती है, लेकिन अपने हक की लड़ाई नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसे कब तक जीरोगे? गुलाम बनकर 100 साल काटने और रोने से अच्छा है एक बार अपने अंदर उस मानसिकता को लाओ, जिस मानसिकता के साथ बाज एक ही जिंदगी में 2 जन्म जीता है, और फिर पूरी जिंदगी एक बाज की तरह, एक राजा की तरह, एक नवाब की तरह जियो, बिना डरे, बिना हिचके, बिना हारे और बिना झुके। अगर वीडियो पसंद आया, दिल में आग लगी, तो वीडियो को एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपने मोटिवेशनल विंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।